बलिया में पूर्व सपा विधायक ने लगाया बाढ़ धांधली का आरोप, जयप्रकाश आंचल ने बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री पहुंचाई। बुलंदशहर पहुंचे मोदी मंत्रिमंडल के राज्य मंत्री बीएल वर्मा, जन आशीर्वाद यात्रा का बीएल वर्मा ने किया नेतृत्व। यूपी में रक्षाबंधन पर मुफ्त यात्रा कर सकेंगी महिलाएं, सरकार ने महिलाओं को लाभ देने के लिए कसी कमर। लखनऊ में टोक्यो ओलंपिक खिलाड़ियों को मिलेगा सम्मान, योगी सरकार बांटेगी 42 करोड़ की राशि। आगरा में त्योहारों के मद्देनजर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में आई नजर, जिले में धारा 144 लागू। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा जन आशीर्वाद यात्रा का नेतृत्व करते हुए बुलंदशहर पहुंचे। यहां उन्होंने कहा कि संसद में जब प्रधानमंत्री के ने नवनियुक्त मंत्रिमंडल का विस्तार करते हुए मंत्रियों का परिचय सदन से कराना चाहा तो सभी विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तय किया कि जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से पूरे देश में सांसदों को और मंत्रियों को आशीर्वाद दिलाया जाएगा और जन जन तक उनका परिचय कराया जाएगा। यह यात्रा उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में आयोजित की जा रही है। पूरे के पूरे 2000 जाते हैं, मतलब प्रधानमंत्री ने सोचा कि अगर 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं तो 100 के 100 पैसे खाते में पहुंचा के क्या लेनी पड़ेगी, संकल्प लेना पड़ेगा। हम इस 51% को 60% पर कैसे पहुंचाए, और 60% जब पहुंचेगा तो सारी सारी पार्टियां एक हो जाए तब भी हमारा कुछ भी। टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों पर उत्तर प्रदेश सरकार ने इनामों की बौछार कर दी है। स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को 2 करोड़, रजत और कांस्य पदक विजेताओं को 1.5 और 1 करोड़ रुपए की इनाम राशि सरकार के द्वारा दी जाएगी। यही नहीं, टोक्यो ओलंपिक के लिए चुने गए यूपी के 10 खिलाड़ियों को भी यूपी सरकार सम्मानित करने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ गवर्नर आनंदीबेन पटेल खिलाड़ियों को यह सम्मान देंगे। केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा निराश्रित गौवंशों के लिए गौशालियां संचालित की जा रही हैं, जहां पर इन गौवंशों को सही से देखरेख करने के लिए सरकार द्वारा करोड़ों रुपए का खर्च भी किया जा रहा है। बावजूद इसके गौशालाओं की स्थिति बहुत खराब इस वक्त दिखाई दे रही है। ताजा मामला फतेहाबाद तहसील के कालरा कला में बनी गौशाला से आया है, जहां जब किसान नेता श्याम सिंह चाहर ने 5 सदस्यीय टीम के साथ निरीक्षण किया तो वहां की गौशाला की हकीकत सामने आ गई। बता दें कि गौशाला के अंदर 5 मृत गौवंश मिले, साथ ही गौशालाओं में गौवंशों के चारे की कोई भी व्यवस्था नहीं दिखाई दी। सवाल यह उठता है कि इतनी बड़ी लापरवाही का आखिरकार जिम्मेदार कौन है। दाना गायों को मिलता नहीं, जो उनके मानक है वो मिलता नहीं, और जो भूसा है हमने उनकी नादों में देखा गोबर है, गैस बन गई है इसकी। और साहब कई गाय 5 से अधिक जो मृत हैं, कई बीमार भी हैं, यहाँ पर खाने पीने का सब डाके 3-5 चल रहा है। केंद्र सरकार यूपी सरकार से मांग है, जो हिंदू धर्म के नाम पर गायों के नाम पर जो राजनीति चली जा रही है इसमें रोक लगाए, इसकी जाँच कराए, क्यों नहीं इनकी रक्षा की जा रही, क्यों नहीं इनको मानक के अनुसार पूरा दाना दिया जा रहा। पूरा मामला गड़बड़ है, इसकी जांच होना अनिवार्य है। केवल अधिकारी पैसा 1000 का जारी करेंगे और मौके पर 200 गाय होंगी, पूरा गोलमाल किया जा रहा है। जो काला धन गायों के नाम पर आ रहा है, जो काला धन गायों के नाम पर तो आता है परंतु अधिकारियों की जेब में और कोठियों में वो चला जाता है, इसकी जाँच की मांग करते हैं कि CM महोदय इन गौशालाओं के नाम पर जो आप पैसा जारी कर रहे हैं पहले इनकी जांच करा लीजिए, ये किन के हैंड ओवर हैं। बलिया के बैरिया रामपुर में बाढ़ से बेघर परिवारों को सपा के पूर्व विधायक जयप्रकाश अंचल ने राहत सामग्री पहुंचाई। कई पीड़ितों को ये राहत सामग्री बांटी गई, साथ ही उन्होंने कहा कि जनता की हर तरह से मदद की जाएगी। वहीं विपक्ष पर निशाना उन्होंने साधा और कहा कि सत्ता पक्ष ने ना तो किसी प्रकार की व्यवस्था की है, ना ही किसी बाढ़ पीड़ित को भोजन मिल रहा है।
गंगा नदी से बाढ़ प्रभावित इलाका है। हम लोग BST बंधे पे खड़े हैं और यहाँ बगल में रामपुर कोड़ाराहा ग्राम पंचायत है। देख रहे हैं कि चारों तरफ से पूरी ग्राम पंचायत जलमग्न है और काफ़ी लोग अपने पशुओं को लेकर के चाहे अपने इस बंधे पर आ करके अपना शरण लिए हुए हैं। अब ऐसी परिस्थिति में अब हम लोग भ्रमण कर रहे हैं और इन लोगों को पका पकाया पूरी सब्जी का इंतजाम हम लोगों ने। सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ तहसील क्षेत्र में डॉक्टर अंसारी हॉस्पिटल के सर्जन मोहम्मद सरफराज अंसारी अपने फ्री मेडिकल कैंप की वजह से लगातार चर्चा का केंद्र बने रहते हैं। वह लोगों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए डॉक्टर अंसारी हॉस्पिटल शोहरतगढ़ की ओर से विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख चौराहों पर मेडिकल कैंप के माध्यम से हजारों लोगों का उपचार कर चुके हैं। इस कड़ी में हॉस्पिटल की तरफ से बवनी चौराहे पर निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में लगभग 300 लोगों ने स्वास्थ्य परीक्षण कराकर निशुल्क दवाइयों के साथ डॉक्टरों से परामर्श भी लिया। वहीं डॉक्टर अंसारी हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर ने बताया कि शिविर में मरीजों की ECG, शुगर, BP और वजन आदि की जांच कर उन्हें दवाइयां दी गई हैं। वहीं कानपुर देहात के गजनेर थाना क्षेत्र में पेट्रोलियम पदार्थों के टैंकरों से डीजल चोरी करने वाले अंतरजनपदीय गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। बता दें कि पुलिस ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए 215 लीटर डीजल के साथ 2 देसी कट्टे और कारतूस को भी बरामद किया है। साथ ही चोरी में प्रयोग होने वाले यंत्रों के साथ पिकअप गाड़ी को भी बरामद किया गया है। पकड़े गए अभियुक्तों में से एक विकलांग भी शामिल है। वहीं गिरोह का एक सदस्य मौके से फरार होने में सफल हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने दबिश देना शुरू कर दिया है। थाना गजनेर क्षेत्र में जो SCPL डिपो है, वहां से जो निकलते हैं टैंकर, उनसे तेल चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश गजनेर पुलिस ने किया है। इसमें प्रयुक्त एक गाड़ी बोलेरो लोडर है, उसमें 30 जर्किन मिली है, जिसमें 11 में चोरी का तेल बरामद हुआ है। उसके साथ ही 2 अभियुक्तों के पास से तमंचा और उनके कार्टेज बरामद हुए हैं। इस तरह तो गैंग जो अंतरजनपदीय गिरोह है, जिसमें जनपद फिरोजाबाद के 2 अभियुक्त, कालपी उरई के 1 अभियुक्त और एक जो है स्थानीय। सिद्धार्थनगर के जोगिया विकास खंड क्षेत्र के संगलदीप गांव में बाढ़ ने पूरी तरह से अपने पांव पसार रखे हैं। गांव से निकलने के लिए इस वक्त कोई भी रास्ता नहीं बचा है, बस नाव ही एकमात्र सहारा ग्रामीणों के लिए बची हुई है। वहीं ग्रामीणों ने जानकारी देते हुए बताया कि बाढ़ आए 5 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन कोई भी प्रशासनिक मदद उन्हें नहीं मिली है, ना ही प्रशासन के द्वारा कोई भी अधिकारी उनकी सुध लेने पहुंचा है। हमारा नाम रामायण यादव, हम ग्राम संगलदीप के निवासी हैं। बाढ़ आ जाती है तो सर ये मान लीजिए कि यहाँ एक छोटी कौड़ी भी नहीं होता अनाज के निस्पत में। जितने किसान भाई बेचारे अपना परिश्रम करके मजदूरी करके जो फसल उगाए हैं सब नष्ट हो गई है। और जिले की बड़ समस्या है, यहाँ से हम लोग आवाज़ उठाते कोई आता भी नहीं है और जो आएगा। वहीं शाहजहांपुर शहर के बीच सड़क पर कई राउंड अंधाधुंध फायरिंग की गई। आपको बता दें कि फायरिंग से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं फायरिंग में 3 लोग घायल हो गए, जिसके बाद तीनों घायलों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया गया है। बता दें कि कार के अंदर दारू पार्टी चल रही थी। वहीं घटनास्थल पर भारी पुलिस बल फिलहाल मौजूद है। पुलिस ने कई लोगों को इस पूरे मामले में हिरासत में लिया है। को चिलीबाग मोहल्ले में 2 पक्षों में लड़ाई हो गई और उसी के तहत एक पक्ष द्वारा गोली चलाई गई और उसमें एक मेहुल को पेट में छापे लगे हुए हैं, उसको तत्काल बरेली रिफर कर दिया गया। बाकी पुलिस टीम दबिश दे रही है और जल्दी। उत्तर प्रदेश सरकार रक्षाबंधन पर्व पर महिलाओं को बड़ा तोहफा दे रही है। बता दें कि 21 अगस्त को रात 12 बजे से लेकर 22 अगस्त की रात 12 बजे तक उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की बसें महिलाओं और बालिकाओं के लिए फ्री रहेंगी। वहीं गोरखपुर परिवहन विभाग पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है और सरकार की इस योजना का सभी महिलाओं और बहनों को लाभ देने के लिए कमर कस चुका है। ही नहीं, पूरे स्टेट में शासन सत्ता की मंशा यही है कि 24 घंटे हम माताओं और बहनों फ्री में यात्रा करें। यह
22 को रक्षाबंधन है, 21 के 12 बजे रात्रि से लागू होगा और 22 के 12 बजे रात्रि को। आगामी त्योहारों के मद्देनजर पुलिस प्रशासन इस वक्त अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। अराजक तत्वों पर पुलिस प्रशासन की पैनी नजर है। प्रशासन की ओर से अराजक तत्वों के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। कहा गया है कि अगर जिले की फिजा बिगाड़ने की कोशिश की गई तो कड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। वहीं मुहर्रम के त्योहार से पहले मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में फ्लैग मार्च भी निकाला गया है। साथ ही साथ आगरा में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। फ्लैग मार्च के दौरान अछनेरा CO महेश कुमार भी मौके पर मौजूद दिखाई दिए। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय त्योहारों का सीजन चल रहा है और साथ ही लॉकडाउन के नियमों का पालन कराना है और इस त्यौहार को भी वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराना है, इसलिए ये रूट मार्च किया गया है और रूट मार्च मिश्रित आबादी क्षेत्र में किया गया है ताकि वहाँ शांति बनी रहे। और साथ ही एक मैसेज रूट मार्च का एक मैसेज आता है कि पुलिस अलर्ट है, सतर्क है। साथ ही साथ जो भी 3 भैया बिना मास्क के लोग होते हैं उनको भी अलर्ट करते हैं, साथ जो ट्रिपल राइडिंग करते हैं उनको भी चेक करते हैं। तो एक रूट मार्च से बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो एक मैसेज जाता है असामाजिक तत्वों को, ऐसे लोगों को जो बलवाई लोग हैं, कि पुलिस बहुत अलर्ट है, सतर्क है। कोई वहीं गोरखपुर में अपराधियों को अब आसानी से जमानत नहीं मिलने वाली। मुकदमे की पैरवी के लिए साथ ही सजा दिलाने के लिए ADG गोरखपुर जोन ने ऑपरेशन शिकंजा शुरू किया है। थानेदार अपने क्षेत्र के गंभीर मामले और जेल में बंद शातिर बदमाशों की सूची तैयार करेंगे। बदमाशों की कुंडली तैयार करने के बाद पुलिस मुकदमावादी और गवाहों से मुलाकात कर सुरक्षा का भरोसा देगी। ADG जोन अखिल कुमार ने जोन के सभी SSP SP को इस संबंध में पत्र लिखा है। उन्होंने लिखा कि पुलिस अपराधियों के खिलाफ निरोधात्मक कार्यवाही करने के साथ ही गिरफ्तार कर जेल भेजती है। ज्यादातर मामलों में प्रभावी कार्यवाही न होने की वजह से पेशेवर अपराधी जल्द ही जमानत पर छूट जाते हैं, जिसकी वजह से पुलिस के स्तर से प्रभावी पैरवी नहीं किया जाना है। आपको बता दें कि कोई भी अपराधी गवाहों को प्रभावित करके न्यायालय में चल रहे मुकदमे को कमजोर न करने पाए, इसके लिए पूरे जोन में अभियान चलाया जाएगा। इसका नाम ऑपरेशन शिकंजा रखा गया है। देखिए, ऑपरेशन शिकंजा के तहत में जो सनसनीखेज अपराधों में लिप्त अपराधी हैं, उसके साथ साथ ऐसे अपराध जो बड़े जघन्य श्रेणी में आते हैं, जैसे कि छोटे बच्चों की बच्चियों के साथ बलात्कार करके उनकी हत्या कर देना, गैंग रेप, बड़े अपराधी, माफिया, ये जो अपराध करते हैं इससे समाज में भय व्याप्त होता है। ऐसे अपराधों में हम कैसे इनको सजा दिला सकें, प्रभावी पैरवी कर सकें कोर्ट में, ये बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर मामलों में पाया जाता है कि पुलिस अपराधियों को गिरफ्तार करके विवेचनापूर्ण करके कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर देती है और उसके बाद प्रभावी पैरवी नहीं कर पाती है, नहीं करती। इस कारण ये अपराधी उसका लाभ उठाते हैं, गवाहों को तोड़ते हैं, समय का अभाव प्रयोग करके किसी तरह छूटने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग का प्रयास है ऑपरेशन शिकंजा में कि ऐसे प्रमुख अपराध जो जनपदों में घटित हुए हैं पिछले कुछ वर्षों में, उनको चिन्हित कर लें और हर ऐसे अपराध पे एक नोडल ऑफिसर रहेगा जो उसकी प्रभावी पैरवी कोर्ट में करेगा, ताकि जो शिकंजा है वो पूर्ण रूप से हो जाए। वो अपराध अगर अपराधी करता है तो उसको हम लोग न्यायिक प्रक्रिया पूरा कराते हुए कम समय में। शाहजहांपुर जनपद के मीरानपुर कटरा नगर पंचायत में पिछले 4 सालों से केंद्र और राज्य सरकार ने पिछले 4 सालों में मदरसों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को वेतन नहीं दिया है। इससे उनके सामने आर्थिक संकट गहराता जा रहा है। नेशनल मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक संघ ने वेतन दिलाने को लेकर PM और CM को पत्र भेजा है। केंद्र सरकार की SPQIM योजना के तहत अकेले उत्तर प्रदेश में लगभग 25,000 आधुनिकीकरण शिक्षक लगभग प्रदेश के 10 लाख बच्चों को आधुनिक विषयों जैसे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और कंप्यूटर आदि की शिक्षा पिछले कई सालों से प्रदान कर राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। वेतन तो आप ये मान लीजिए कि हम लोग एक तरह से खिदमत कल कर रहे हैं, एक लंबा वक्त हो गया 4 साल से ऊपर का हम लोगों को वेतन नहीं मिला है और पूरी कोशिश भी की जा रही है, सभी लोग सिलसिले में धरना भी दे रहे हैं, जा भी रहे हैं और मांग भी कर रहे हैं, लेकिन किसी तरह की कोई कामयाबी हाथ नहीं लग रही। सर, मेरा नाम आरिफ उस्मानी है, मैं एक आधुनिकरण शिक्षक भी हूँ, इसी के साथ ही मैं नेशनल मदरसा आधुनिकरण शिक्षक संघ का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ उत्तर प्रदेश का।
हमारी योजना जो है SPQEM है, मदरसा आधुनिकरण योजना, जिसे जो है स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन इन मदरसा के नाम से जाना जाता है। सर, इसमें लगभग हम लोगों का 4 वर्ष से अधिक का समय हो गया है जो हम लोग। फिरोजाबाद के थाना नारकी के कायथा में दो पक्षों में जमकर खूनी संघर्ष हुआ। बताया जा रहा है कि पूरा मामला जमीन से जुड़ा है। झगड़े के दौरान 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यही नहीं, जब एक पक्ष अपने घायल साथियों को लेकर अस्पताल जा रहा था, तब दूसरे पक्ष के लोगों ने घायलों को एम्बुलेंस से निकालकर मारपीट की। अच्छा, तो क्या हुआ था? अभी रास्ते में गाड़ी रुकवा के और इनको मारपीट की। गाड़ी बैड़ी बैड़ी लगा दी थी मेन रोड पर, तो उसमें पुलिसकर्मी भी साथ में थे क्या? वहीं गोरखपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनकी निशानदेही पर भारी संख्या में पाम ऑयल रिफाइंड भी बरामद किया है। बताया जा रहा है कि जिन चोरों को पुलिस ने पकड़ा है वो जनपद के शातिर चोर हैं और कई दिनों से कई बड़ी चोरियों को वे अंजाम दे चुके हैं। दो घटनाओं का खुलासा किया गया है। एक घटना हुई थी जिसमें एक ट्रक में से पाम ऑयल के कार्टन जो है उसको चोरी कर लिया गया था। उस संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 183/21, धारा 379 और 411 पंजीकृत किया गया था। इसमें 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। तरंग ओवरब्रिज के नीचे से इन्हें गिरफ्तार किया गया है आज 8:15 पर। ये हिमांशु निषाद हैं और रोशन गुप्ता हैं, और इनके पास से हमें मारुति वैन, 10 कार्टून पाम रिफाइन और 4800 कैश बरामद किया गया है। हिमांशु निषाद की तरफ से बरामद किया गया और रोशन गुप्ता के पास से 10 कार्टून पाम रिफाइन ऑयल। वहीं अंबेडकर नगर में भाजपा कार्यकर्ता तेजस्वी जायसवाल के अपहरण की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि अज्ञात बदमाश 2 कारों से आए थे और असलहे के बल पर अपहरण कर फरार हो गए। बाद में करीब 1 घंटे बाद भाजपा कार्यकर्ता बेसुध हालत में सड़क के किनारे पड़े मिले हैं। आनन फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं भाजपा कार्यकर्ता के अपहरण से भाजपा कार्यकर्ताओं में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।